हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी नाइन से. आज हम स्किन वाइटनिंग फेशियल करेंगे घर पे. तो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं. सबको गोरा होना है, सबको वाइटनिंग चाहिए, सबको लाइटनिंग चाहिए. तो मैंने सोचा घर पे ट्राई करते हैं. तो इसमें कुछ बस बेसिक स्टेप्स हैं, तीन: क्लिनजिंग, स्क्रबिंग और फेस पैक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले कॉटन लें और मिल्क, कच्चा दूध पकाना नहीं है, सीधे आप डायरेक्ट पैकेट से लें. और ये कॉटन को डिप करके हमें फेस क्लीन करना है. कच्चा दूध ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी अगर ऑयली स्किन है तो पका हुआ दूध आपको और ऑयल करेगा, तो इसलिए कच्चा दूध. और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप डेफिनेटली पका हुआ दूध ले सकते हैं. उसमें थोड़ी मलाई भी ले सकते हैं, डायरेक्टली मलाई. और ड्राई स्किन के लिए बेस्ट चीज़ है मलाई, वो बहुत अच्छा क्लिंजर है. और आपका पूरा मेकअप भी रिमूव हो जाता है मलाई से. तो ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है मलाई. और मेरी ऑयली स्किन है इसलिए मैं कच्चा दूध यूज़ कर रही हूँ. तो इस तरह से देखिए एकदम क्लीन हो जाती है. वैसे तो मेरे फेस पे कुछ नहीं था, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत भी डर्ट रहती है वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है कच्चा दूध से. पूरा क्लीन कर लिया. हाँ, अब है स्क्रब की बारी. मैं यूज़ कर रही हूँ इनो. ये स्क्रब का भी काम करता है, लाइटनिंग स्क्रब का काम करता है. ये हमें सिर्फ इसे लेना है और पानी मिक्स करना है. इसमें हमें पानी मिक्स करना है. ये ऐसे फोम बनेगा जैसे हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं. देखिए आप, मैंने कई वीडियोस में ये दिखाया है कि हम बेकिंग पाउडर को भी स्क्रब की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो सेम उसी तरह इनो भी है. तो इसे मैं अब आपको फेस पर लगा कर दिखाऊंगी. उसके पहले हम फेस पैक रेडी कर लेते हैं. ये स्क्रब साइड में रखते हैं. सबसे पहले हम ले रहे हैं बेसन और फिर हम ले रहे हैं चंदन. चंदन पाउडर आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन लाइटनिंग में ये बहुत हेल्प करता है. तो मेरा एक चम्मच बेसन है और करीब आधे से थोड़ा ज़्यादा चंदन पाउडर. और इसमें थोड़ा सा हल्दी, एक से दो चुटकी के बराबर. अब इन सब को मिक्स करने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से पेस्ट बनाएंगे. बेसन और हल्दी दोनों ही स्किन लाइटनिंग में हेल्प करता है, और चंदन पाउडर भी और मिल्क भी. तो इसमें चारों चीज़ें जो हैं वो आपकी स्किन लाइटनिंग और वाइटनिंग में बहुत हेल्प करेंगी, इसलिए ये वाइटनिंग फेशियल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. तो ये रेडी हो गया, अब स्क्रबिंग करते हैं, फिर ये पैक लगा कर दिखाती हूँ. हमें इसे जल्दी स्क्रब यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये वो मेल्ट हो जाएगा तो फिर वो लिक्विड बन जाता है. ये बहुत माइल्ड स्क्रब है पर ये बहुत अच्छा है. ये आपको स्किन लाइटनिंग में बहुत हेल्प करेगा. हमें 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से स्क्रब करना है. अब स्क्रब करने के बाद मैं कॉटन से इसे पोंछ लूँगी. आप चाहें तो फेस वॉश भी कर सकते हैं, मगर ऐसा पोंछने से जो डेड स्किन है वो पूरी कॉटन में आपकी आ जाएगी और अच्छे से रिमूव हो जाएगी. अब हम पैक लगाते हैं. ये जब हमने पैक रेडी रखा है, बहुत ध्यान से लगाएं. हल्दी ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपके फेस पे एक येलो कलर आ जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखें. मैंने कितना अमाउंट रखा था, 1 से 2 चुटकी, सिर्फ उतना ही रखना है आपको हल्दी. और मैं हमेशा कहती हूँ हर बार कि आप जब भी पैक लगाएं तो अच्छे से मसाज करके लगाएं ताकि पैक आपकी स्किन में अंदर अब्जॉर्ब हो पाए. सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे.
और फेस पैक का जो लेयर लगाते हैं हम, ये मसाज के बाद लगाएंगे हम एक लेयर, वो थिक होना चाहिए। जितना थिक होगा वो उतनी ही अच्छे से वर्क करेगा। तो एक थिक लेयर, अब मैं इसे 20-30 मिनट्स रखूँगी। आपके पास वक्त है तो आप 45 मिनट्स भी रख सकते हैं, बट 20-30 मिनट्स भी काफ़ी है। आपकी स्किन ज़्यादा ही डल है तो 45 मिनट्स तक रखिए, तो ही आपको डिफरेंस अच्छा दिखेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ये मैंने बहुत थिक लेयर लगाया है तो मैं इसे 20 मिनट्स रख कर आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। अभी सूख गया है, 60-70% सूख चुका है। मैं इसे वॉश करके आती हूँ। मैंने वॉश कर लिया है फेस, अब इसे टिश्यू से ड्राई करते हैं और बस इसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, टोनर लगाना है अपना, फिर मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, और आपका फेशियल हो गया पूरा। बस इतने से इजी स्टेप्स हैं आपके, आप देखेंगे कि आपको इंस्टेंटली स्किन लाइट दिखेगी। मेरा नेचुरल कलर ये है तो मुझे ये थोड़ी ब्राइट लगती है, एकदम सफ़ेद नहीं, आपका नेचुरल कलर ही रहेगा। आप कितना भी वाइटनिंग लाइटनिंग कर लीजिए, बस अगर जो चेहरे में डलनेस आ गई है तो वो चली जाएगी, पर कोई भी चीज़ जो वाइटनिंग लाइटनिंग कहती है वो आपके नेचुरल कलर के थोड़ा करीब ले आती है आपको। उतना ज़्यादा डार्क नहीं रहता जितना हम डे टू डे लाइफ में ख़राब कर लेते हैं अपना कलर, पर हाँ थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। तो उसके लिए ये नेचुरल देखिए, आप ग्लो कर रही है स्किन, इतना अच्छा लाइट सा कलर हो गया है। थोड़ा मुझे एक शेड हल्का सा डिफरेंस दिख रहा है, तो आप इसे हर 2 हफ्ते के बाद आराम से कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।